वेलकम टू हमारी रसोई। आज की मेरी रेसिपी है पहाड़ी हरा कबाब। पहाड़ी हरा कबाब के लिए यहाँ पे मैंने चिकन के दो ब्रेस्ट पीस ले लिए हैं, कि मैंने अच्छे बड़े बड़े क्यूब्स काट लिए हैं। और इसके लिए हम एक मसाला रेडी करेंगे। हाफ कप हमारे पास हरा धनिया है, 2 टेबलस्पून हीप हमारे पास पुदीना है, 2 ग्रीन चिलीज, जिंजर गार्लिक एंड हाफ लेमन, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक है, 1/2 कप हंग योगर्ट है, दही है ये बिना पानी का, सॉल्ट टू टेस्ट, 1 ब्लैक इलायची, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर क्रश है ये, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 पिंच ऑफ नटमेग एंड 1/4 टीस्पून हल्दी। इन सब चीज़ों को हम ब्लेंड करेंगे और इनके साथ हम अपनी चिकन को मैरिनेट करेंगे। जितनी साथ हम अपनी चिकन को मैरिनेट करेंगे उतना अच्छा ही बनेगा। आप ओवरनाइट भी इसे मैरिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारे मसाले ग्राइंड कर लिए थे, अब हमने इसमें चिकन मैरिनेट कर दी है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा मैरिनेशन के लिए आप इसे रखें, ओवरनाइट भी आप इसे मैरिनेट कर सकते हैं। आई सजेस्ट यू इसे कम ही स्पाइसी रखें आप, क्योंकि इसे हम पुदीने और इमली की चटनी के साथ सर्व करेंगे। दिस इज डन रेडी फॉर मैरिनेशन। अब इसे कैसे भी रेडी कर सकते हैं, आप इसे बारबेक्यू कर सकते हैं, आप डायरेक्ट इसे हीट पे ग्रिल कर सकते हैं, शैलो फ्राई कर सकते हैं, व्हाटएवर यू विश। मैंने आपको 2-3 तरीके बता दिए हैं इस टिक्का को कैसे बनाना है। द बेस्ट वे आई लाइक इज डायरेक्ट ग्रिलिंग ऑन हीट। स्क्रूज में हम इसे इंसर्ट करेंगे। एक स्क्रूज में आप 4-5 पीसेस आप इंसर्ट करें और इसे डायरेक्ट हीट पे मैं इसे ग्रिल करूंगी। ये देखिए, आप चाहे तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं। आई प्रिफर दिस वन। अगर आप इस टेक्निक से बनाएंगे तो आपको बीच बीच में इसे से ऑयल से ब्रश करना होगा। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया इसका। इसे हम पुदीने और इमली की चटनी के साथ सर्व करेंगे। आपको बस इतना करना है, इसे बनाना है, इसे टेस्ट करना है और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी रेसिपीज को लाइक करना है और मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। That's it, इतना सा आपको करना है बस। यहाँ पर मेरी आज की डिश पहाड़ी हरा बिल्कुल रेडी है। इसकी मैंने प्लेटिंग कर दी है। इससे आप पुदीन और इमली की चटनी के साथ सर्व करें। अनियन रिंग्स हैं, पराठे हमने बनाए हैं, लेमन आप सर्व करें। इसे मैंने बटर से मेल्टेड बटर से स्प्रिंकल भी किया है। सो डू ट्राई दिस रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।